Hello all, welcome to my YouTube channel Learn Computer with RCS. In my previous video I have told you how to change the background color of a web page and how to change the color font color of content. In this series आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने वेब पेज के अंदर किसी इमेज को इंसर्ट कर सकते हैं और इमेज के इमेज टैग के एट्रीब्यूट्स के बारे में भी हम जानेंगे. तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ नोटपैड. I have opened here notepad, maximize कर दिया, and the first tag that we use while making our HTML web pages, that is HTML, and second is head, and then I will give here title. Title is inserting image. Okay, title tag को close कर दीजिए, then finally head section को close कर दीजिए. सेक्शन को नाउ द बॉडी पार्ट स्टार्ट. तो बॉडी टैग से बॉडी सेक्शन स्टार्ट होता है बॉडी टैग से. ओके, अब यहाँ आप इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ आप क्या करना चाह रहे हैं कि कोई एक इमेज इंसर्ट करना चाह रहे हैं. तो उसके लिए आपने कोई इमेज एक सेलेक्ट कर ली होगी, जिस इमेज को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं. तो सपोज मैंने मेरे केस में मैंने वो इमेज सेलेक्ट कर रखी है, रंगोली नाम से है, वो डेस्कटॉप पे मैंने सेव करके रखा हुआ है. ओके, तो आप भी कोई इमेज पहले सेलेक्ट कर लीजिए या किसी फोल्डर के अंदर उसको सेव कर लीजिए जिस इमेज को आप यहाँ इंसर्ट करना चाह रहे हैं. ओके, नाउ देन द नेक्स्ट केस इज यूज द टैग. अब इमेज टैग को इंसर्ट करने के लिए कौन सा टैग यूज करेंगे? तो मैं चाह रहा हूँ कि वो जो मेरा इमेज आए वो सेंटर पर आए, तो उसके लिए मैं एक टैग यूज कर लेता हूँ सेंटर. सेंटर टैग क्या करेगा, उस इमेज को सेंटर लोकेशन पे डिस्प्ले कराएगा. देन आई एम यूजिंग द इमेज टैग, इमेज img टैग. img टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनको मैं यूज करूँगा इसमें, ठीक है, ताकि वो इमेज आपकी सही जगह से सेट हो पाए. ठीक है, तो सबसे पहला उसका जो एट्रीब्यूट है दैट इज नोन एज src, दैट मीन्स इमेज सोर्स. जो इमेज है वो किस लोकेशन पर आपके कंप्यूटर में स्टोर्ड है उसका पूरा कंप्लीट पाथ यहाँ पर आपको देना पड़ता है विद फाइल नेम. उस फाइल का नेम के साथ साथ उसका पूरा कंप्लीट पाथ उसको देना पड़ता है. ठीक है, तो उसको आप क्या करेंगे, उसके लिए आप उस पाथ को कंप्लीट टाइप भी कर सकते हैं. अदरवाइज आपके पास एक दूसरा तरीका है कि आप उसकी लोकेशन को कॉपी कर लीजिए. उसके लिए आप इसको फोटो को ओपन करिए, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए, एंड प्रॉपर्टीज़ में यहाँ लोकेशन है इसकी लोकेशन को कॉपी कर लीजिए. जस्ट सेलेक्ट किया आपने और कंट्रोल सी प्रेस करके इसको कॉपी कर लीजिए. एंड देन हियर src के अंदर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने इसको पेस्ट कर दिया. एंड देन आपको ये तो केवल लोकेशन कॉपी हुई है, इस फाइल का नेम भी आपको देना पड़ेगा. एंड यहाँ पर स्लैश लगाइए, बैकवर्ड स्लैश, एंड देन उसका नेम है आपका रंगोली. उस फाइल का नाम मेरा है रंगोली, और उसका एक्सटेंशन होता है वो किस फॉर्मेट में सेव है मेरी वो फाइल. अलग अलग फॉर्मेट में सेव होती हैं आपकी इमेज फाइल, लाइक png और लाइक jpg, लाइक bmp, बिटमैप इमेज है, तो ये इनका एक्सटेंशन होता है. तो मेरी वो इमेज है आपकी .jpg फॉर्मेट में. ओके, तो मैंने ये कंप्लीट सोर्स उसको प्रोवाइड कर दिया कि कौन सी इमेज को आपको इंसर्ट करना है. ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने के बाद है. और इसका सेकेंड एक एट्रीब्यूट होता है दैट इज़ ऑल्ट स्पेस देकर के. ऑल्ट एक एट्रीब्यूट यूज़ कर रहा हूँ. इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ ये है कि माना सपोज कुछ प्रॉब्लम के कारण वो इमेज आपको डेस्कटॉप पे शो नहीं हो रही है, तो उसकी जगह पर वो आपको क्या दिखाएगा, एक अल्टरनेट उसका नेम दिखा देगा, प्रोवाइड कर देगा, टैक्स प्रोवाइड कर देंगे हम उसको, तो वो अल्टरनेट टैक्स वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा. ठीक है, वो प्रॉब्लम हो सकती है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम हो या जिस इमेज को आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो उस लोकेशन पर हो ही ना मौजूद, तो इसके ये रीज़न हो सकते हैं कुछ. ठीक है, तो उसके लिए हम एक ऑल्ट टैग में हम उसको एक टैक्स प्रोवाइड कर देते हैं. तो सपोज मैं यहाँ पर इसको रंगोली ही प्रोवाइड कर देता हूँ. ठीक है, तो मैंने एक अल्टरनेट टैक्स को प्रोवाइड कर दिया है. इसकी हाइट और विड्थ भी मैं सेट कर सकता हूँ. मेरे पास एट्रीब्यूट है हाइट, इसके लिए HEIGHT हाइट इक्वल टू, मैंने कुछ वैल्यूज को प्रोवाइड कर दी लगभग 200 पिक्सल्स के फॉर्म में. ओके, एंड देन इसको विड्थ भी सेट कर दी, इसका विड्थ भी हमने लगभग इसके बराबर कर दी है 200 पिक्सल के फॉर्म में, विड्थ भी इसकी सेट कर दी. ठीक है, तो ये आपका हो गया इमेज टैग img टैग, जिसके कई सारे एट्रीब्यूट्स आपने यूज़ करें. ठीक है, ताकि आप आपके फ़ोटो को अच्छे लुक में अपने वेब पेज में इंसर्ट कर पाएँ. देन उसके बाद आपका सेंटर जो टैग था उसका वर्क कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आप इमेज को ही सेंटर पर लाना चाहते हैं. तो सेंटर टैग को यहाँ पर क्लोज कर दीजिए.
सेंटर टैग आपने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। एंड देन उसके बाद आपका है कि आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन भी मैं लिख दूँ, थोड़ा सा डिटेल इसके बारे में, जो इमेज है इमेज के बारे में डिटेल लिख दूँ, तो पैराग्राफ के फॉर्म में, तो पैराग्राफ से आपने यूज़ किया एक टैग यूज़ किया पी टैग, ठीक है। इस पैराग्राफ को थोड़ा सा, इस जो आप कंटेंट लिखेंगे इसको आप बोल्ड फॉर्मेट में यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास फॉर्मेटिंग टैग होता है बी, बी का मतलब बोल्ड फॉर्मेट में थोड़ा सा लिखा हुआ आएगा, ठीक है। और इटैलिक इटैलिक बोल्ड फॉर्मेट के साथ साथ उसको इटैलिसाइज टैक्स शो करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके पास होता है एक टैग होता है आई, ठीक है। ये इटैलिक टैग इटैलिसाइज फॉर्म में लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं उसका डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, सिंपल सा छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन, रंगोली इज एन आर्ट फॉर्म ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट विच इज मेड बाय कलर्ड राइस एंड ड्राई फ्लोर एंड फ्लावर पेटल्स, ओके। तो छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन मैंने लिख दिया है इमेज का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो अब उसको बाद मैं इसको क्लोज कर देता हूँ पैराग्राफ को। तो पैराग्राफ क्लोज करने से पहले मैंने इसके दो फॉर्मेटिंग टैग यूज़ किए थे आई और बी। तो सबसे पहले जो सबसे लास्ट में जो टैग यूज़ किया था उसको क्लोज कर देता हूँ। सबसे पहले आई क्लोज हो जाएगा आपका, एंड देन फिर उसके बाद बी क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर बी टैग क्लोज हो जाएगा, बोल्ड वाला टैग क्लोज हो जाएगा, एंड देन फाइनली पैराग्राफ वाला टैग भी मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, ओके। तो ये वर्क हो गया, मैंने इमेज को इंसर्ट कर दिया और थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन भी लिख दिया है। नाउ फाइनली अब मैं आपका बॉडी टैग को क्लोज कर देता हूँ, एंड देन उसके बाद इसके मेन एलिमेंट को HTML को क्लोज कर देता हूँ, ओके। तो ये मेरा एक वेब पेज बन गया है जिसके अंदर मैं एक इमेज को इंसर्ट करके दिखाऊंगा आपको। तो अब इसको सेव कर लेते हैं, सेव करने का प्रोसेस आप सब जान गए हैं। डेस्कटॉप पर मैं इसको सेव कर रहा हूँ, इसका नाम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ इमेज डॉट HTML, डॉट HTML लगाना ना भूलें, ओके। इनकोडिंग यहाँ पर UTF-8 कर देते हैं, एंड देन सेव कर दिया मैंने। सेव करने के बाद मैं इसको चेक करता हूँ तो इमेज नाम की मेरी एक फाइल आपके डेस्कटॉप पे बन गई है, ब्राउजर फाइल। इसको डबल क्लिक करूँगा, ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि आपकी जो इमेज, आप रंगोली इमेज आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो सेंटर लोकेशन पर पेज के इंसर्ट हो चुकी है। और साथ में आपने जो कंटेंट नीचे दिया था वो कंटेंट थोड़ा सा बोल्ड फॉर्मेट में और इटैलिसाइज फॉर्मेट में आपके सामने दिख रहा है, जिसके लिए आपने बी और आई टैग का यूज़ किया था, ठीक है, पैराग्राफ के साथ। तो इस ढंग से भी आप अपने टैग्स को भी आप थोड़ा सा कलर वगैरह भी प्रोवाइड कर सकते हैं। वो हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि फॉन्ट का कलर कैसे चेंज करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उनको आप जरूर देख लें ताकि आप उसको और भी अपने पेज को थोड़ा सा इंटरेक्टिव लुक दे पाएँ, ठीक है, फॉन्ट को कलर वगैरह दे पाएँ, बैकग्राउंड को कलर दे पाएँ, ठीक है। तो इस वीडियो में केवल हम इतना ही सीखेंगे कि कैसे हम किसी इमेज को इंसर्ट करते हैं और उसके डिस्क्रिप्शन को कैसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये प्रोसेस कैसे इमेज टैग काम कैसे करता है, उसके कौन कौन से एट्रीब्यूट हैं, उनका क्या यूज़ है, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।